नमस्कार दोस्तों, जय मां भारती। समय 12 फरवरी 2008 की दोपहर। सीरिया की राजधानी डमास्कस में स्थित एक पॉश अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर मोसाद के कई सारे एजेंट्स अलग अलग भेष में घूम रहे हैं। थोड़ी देर बाद इस अपार्टमेंट की पार्किंग में एक सिल्वर कलर की पजेरो गाड़ी आकर रुकती है। इस गाड़ी में एक दरमियाने कद का आदमी बैठा हुआ है, जिसने बहुत ही महंगा काले रंग का सूट पहना हुआ है और क्लीनली ट्रिम्ड दाढ़ी रखी हुई है। जैसे ही आदमी अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है, डमास्कस से लेकर तेल अवीव तक मोसाद की ट्रांसमीटर लाइंस बिजी हो जाती हैं। Our man has arrived and he is alone। हमारा आदमी पहुंच चुका है और वो अकेला है। कौन था ये आदमी और क्यों डमास्कस में मोसाद के एजेंट्स इसका पीछा कर रहे थे, जानेंगे एस्पियोनाज स्टोरीज के आज के एपिसोड अ रोमांटिक आफ्टरनून में। अमेरिका में हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक के कुछ दिन बाद 15 नवंबर 2001 को एफबीआई दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों की एक लिस्ट जारी करती है। इस सूची में 22 फोटोज और 22 नाम दिए हुए थे। इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम था, वो दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी का नाम था, जो कि 9/11 से पहले तक सबसे ज्यादा अमेरिकन की मौतों के लिए जिम्मेदार माना जाता था। इसकी जानकारी देने के लिए एफबीआई ने $5 मिलियन के इनाम की घोषणा भी की थी। यह नाम था इमाद मुगनिया। इमाद द्वारा अमेरिकन्स के ऊपर किए गए कई आतंकी हमलों में से कुछ मेजर हमले इस प्रकार थे। 18 अप्रैल 1983 को बेरूत में अमेरिकन एम्बेसी पर अटैक, 63 मौतें। 23 अक्टूबर 1983 को बेरूत में ही यूएस मरीन्स हेडक्वार्टर पर अटैक, 241 मौतें। इसी दिन बेरूत में ही फ्रेंच पैराट्रूपर हेडक्वार्टर्स पर अटैक, 58 मौतें। इन हमलों के अलावा इमाद सीआईए ऑफिशियल विलियम बकली समेत कई सारे अमेरिकन्स की किडनैपिंग और मर्डर के लिए जिम्मेदार था और कुवैत में 3 अमेरिकन पैसेंजर प्लेन्स को भी हाईजैक करवा चुका था। जब सीआईए ने इमाद के इन कारनामों की सूची मोसाद को भेजी तो उन्होंने भी इसमें अपना डेटा ऐड कर दिया, जिसके लिए इमाद जिम्मेदार था। 4 नवंबर 1983 लेबनान में इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी के आईडीएफ के हेडक्वार्टर पर अटैक, 60 मौतें। 10 मार्च 1985 इजरायली लेबनीज बॉर्डर पर आईडीएफ के कॉन्वॉय पर हमला, 8 मौतें। 17 मार्च 1992 अर्जेंटीना में इजरायली एम्बेसी में धमाका, 29 मौतें। 18 जुलाई 1994 ब्यूनस एरीस में ज्यूइश कम्युनिटी सेंटर में धमाका, 86 मौतें। इसके अलावा इमाद इसराइल के कई इंटेलिजेंस और मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ साथ सिविलियंस को भी मरवा चुका था। इन सब अपराधों के लिए जिम्मेदार एक कट्टर आतंकी, अमेरिका और इसराइल का जानी दुश्मन माने जाने वाला इमाद मुगनिया एक घोस्ट के बराबर था, एक भूत था, जो कि मिडल ईस्ट के अलग अलग देशों में यात्रा करता रहता था और किसी भी एक देश में ज्यादा दिन नहीं रुकता था। वेस्टर्न एजेंसीज के पास उसके कारनामों की तो सारी जानकारी थी, लेकिन वो दिखता कैसा है, उसकी आदतें कैसी हैं, उसके छिपने की जगह कौन सी है, इन सब के बारे में उनके पास बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। 1982 में इसराइल लेबनान युद्ध के बाद हिजबुल्ला का गठन होता है, जिसको ट्रेनिंग और हथियार सप्लाई करने का काम किया था ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने। हिजबुल्ला का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था, इसराइल की तबाही, और अपने बनने के पहले ही दिन से हिजबुल्ला ने इसराइल को घाव देने शुरू कर दिए थे। लेबनान में पीएलओ का सफाया होने के बाद इमाद बाकी पीएलओ लीडर्स की तरह ट्यूनिशिया नहीं भागा था, बल्कि उसने हिजबुल्ला को ज्वाइन कर लिया था। अपने आप को छुपाकर रखने में इमाद इतना ज्यादा एक्सपर्ट था कि उसके ऊपर बनी ज्यादातर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स या तो खाली होती थी या फिर एक रिपोर्ट दूसरी रिपोर्ट के बिल्कुल विपरीत जानकारी देती थी। जैसे कि एक रिपोर्ट के अनुसार वो हिजबुल्ला के लीडर शेख फजलुल्लाह का बॉडीगार्ड था, जबकि दूसरी रिपोर्ट के अनुसार वो हिजबुल्लाह का ऑपरेशंस चीफ था। हिजबुल्ला के बाकी लीडर्स की तरह वो कभी टीवी पर भी नहीं आता था और पब्लिक में आकर भाषणबाजी भी नहीं करता था। वो पर्दे के पीछे रहकर ही इजराइल और अमेरिका को लगातार एक के बाद एक बहुत भारी भारी चोटें पहुंचा रहा था और इसीलिए बहुत ही जल्दी उसको दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी माना जाने लगा था।
वेस्टर्न एजेंसीज के पास उसकी निजी जिंदगी के बारे में भी लगभग ना के बराबर ही जानकारी थी। उनको बस इतना पता था कि इमाद की शादी अपनी कजन के साथ हो रखी है और उस शादी से उसे एक बेटा और बेटी हैं। इसके अलावा वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज उसकी निजी जिंदगी के बारे में भी कुछ भी नहीं जानती थी। जब इमाद को लेकर CIA और FBI ने मोसाद से मदद मांगी तो मोसाद ने उसकी एक प्रोफाइल तैयार की। इस प्रोफाइल में मोसाद ने लिखा कि वो एक बहुत ही ज्यादा अकेले रहने वाला इंसान है, बहुत ज्यादा कैरिस्मेटिक है, हाईली इंटेलिजेंट है, हाईली इंपल्सिव है, जो किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करता और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बहुत ज्यादा जानकारी रखता है। CIA, मोसाद और फ्रेंच सीक्रेट सर्विस ने 80 के दशक में इमाद को कई बार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार उनको चकमा देने में सफल हो जाता था। इसीलिए मोसाद ने इमाद को नाम दिया था अ टेररिस्ट विद 9 lives, एक आतंकवादी जिसके पास 9 जिंदगियां हैं। दूसरे लेबनान युद्ध के बाद मोसाद ने कई सारे ऐसे फिलिस्तीनियों को, जो कि हेजबुल्ला से काफी ज्यादा नफरत करते थे, मोसाद के एजेंट्स के तौर पर लेबनान में ही रिक्रूट किया था। ऐसे ही एक एजेंट की कजन बहन इमाद के गांव में रहती थी और वो ये नहीं जानती थी कि उसका भाई मोसाद के लिए काम कर रहा है। एक दिन बातों बातों में वो अपने भाई को बताती है कि इमाद कुछ महीने पहले यूरोप गया था और जब वो यूरोप से वापस आया तो उसकी शक्ल पूरी तरह बदल चुकी थी। मोसाद के सामने अब एक नया और बहुत ही ज्यादा मुश्किल चैलेंज था। उनको अब यूरोप के सारे प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक्स की पड़ताल करनी थी। यूरोप में फैले मोसाद के सारे एजेंट्स को अलर्ट कर दिया जाता है और उनसे प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने को कहा जाता है। जर्मनी के बर्लिन में स्टेशन मोसाद के एक एजेंट को जल्द ही ब्रेक थ्रू मिल जाता है। उसका एक इन्फॉर्मर उसको बताता है कि इमाद ने एक नहीं बल्कि 8 प्लास्टिक सर्जरी कराई है जिससे उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका है। इन्फॉर्मर के अनुसार इमाद ने अपनी सारी प्लास्टिक सर्जरीज ईस्ट जर्मनी के एक क्लिनिक से करवाई थी, जिस क्लिनिक को पहले ईस्ट जर्मनी की सीक्रेट सर्विस स्टासी चलाया करती थी। स्टासी इस क्लिनिक का उपयोग अपने एजेंट्स की शक्लें बदलकर उनको कोवर्ट मिशंस पर भेजने के लिए करती थी। कई दिनों की नेगोशिएशंस के बाद और एक मोटी रकम के बदले ये इन्फॉर्मर मोसाद को एक फाइल देने के लिए तैयार हो जाता है, जिस फाइल में इमाद मुगनिया की 34 अपडेटेड लेटेस्ट फोटोज हैं। इन फोटोज का एनालिसिस करने के बाद मोसाद एक रिपोर्ट तैयार करती है, जिस रिपोर्ट में लिखा होता है, इमाद ने अपने जॉ यानी कि जबाड़े और चिन यानी के ठुड्डी की सर्जरीज करवाई हैं। इसके साथ साथ उसके आगे के कई दांतों को भी आर्टिफिशियल दांतों से बदल दिया गया है और उसकी आंखों की शेप को भी थोड़ा चेंज किया गया है। उसके बाल जो पहले पूरी तरह काले थे उन्हें पूरी तरह अब ग्रे कर दिया गया है और अब वो लेसिक द्वारा चश्मे की जगह कॉन्टेक्ट लेंसेज का इस्तेमाल कर रहा है। बॉटम लाइन ये थी कि इमाद मुगनिया की शक्ल अब पूरी तरह बदल चुकी है और वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 80 के दशक की उसकी जो फोटोज इकट्ठी की हुई थी वो अब पूरी तरह यूजलेस हैं। CIA के साथ डिस्कशन के बाद मोसाद इमाद को खत्म करने का प्लान बनाना शुरू कर देती है। मोसाद के उस वक्त के चीफ मीर दगान इस मिशन का जिम्मा अपने असैसिनेशन डिपार्टमेंट की डॉन और इमाद के ऊपर पहले से ही काम कर रहे मोसाद एजेंट्स को सौंप देते हैं। शुरुआती एनालिसिस के बाद मोसाद इस नतीजे पर पहुंचती है कि इमाद को किसी भी यूरोपियन देश में टारगेट करना नामुमकिन है। वो वेस्ट के किसी भी देश में ट्रेवल नहीं करता और अपना ज्यादातर समय ईरान और सीरिया में ही बिताता है। मोसाद इससे पहले लेबनान और ट्यूनिशिया समेत अरब के कई देशों में ऑपरेट कर चुकी थी, लेकिन ईरान और सीरिया उन देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक थे और सामरिक तौर पर ज्यादा शक्तिशाली थे। लेकिन मीर दगान ये भी जानते थे कि यदि ये मिशन सफल रहा तो ये इसराइल के लिए आतंकवाद के विरुद्ध एक बहुत बड़ी जीत होगी। कई महीनों तक इमाद के ट्रेवल पैटर्न्स का विश्लेषण करने के बाद मोसाद ये प्रेडिक्शन करती है कि इमाद 12 फरवरी 2008 यानी कि 12 फरवरी 2008 को डमास्कस आएगा, जहां वो ईरान और सीरिया के कई सीनियर ऑफिशियल्स के साथ ईरानियन रेवोल्यूशन की सालगिरह में शामिल होगा। लेकिन ये एक प्रेडिक्शन थी और ये प्रेडिक्शन करने वाले मोसाद के एजेंट ने इसकी प्रोबेबिलिटी बताई थी 50-60 यानी कि 50-60%, यानी कि 50-60% चांस था कि उस दिन इमाद डमास्कस आएगा।
अब मोसाद और ज्यादा जानकारी इकट्ठी करने के लिए CIA और दूसरी वेस्टर्न एजेंसीज के साथ संपर्क साधना शुरू कर देती है। क्या वो पक्का उस दिन डमास्कस आएगा? आएगा तो उस दिन वो कौन सी आइडेंटिटी यूज करेगा, उसके पास कौन सी गाड़ी होगी, वो कहां रुकेगा, उसके साथ कौन कौन होगा, वो कितने बजे ईरान और सीरिया के ऑफिशियल से मिलेगा, क्या सीरियन अथॉरिटीज और हिजबुल्ला को उसकी इस ट्रिप के बारे में पता होगा? मोसाद को सफल ऑपरेशन के लिए इन सब सवालों के जवाब चाहिए ही चाहिए थे। अलग अलग लेबनीज और ईरानियन सोर्सेज से कंफर्म करने के बाद के उस दिन इमाद डमास्कस आएगा, किदोन की एक हिट टीम अलग अलग यूरोप के देशों से होते हुए अलग अलग रूट से डमास्कस के लिए निकल जाती है। मोसाद की एक स्पेशल टीम स्मगलिंग करके कुछ विस्फोटक भी सीरिया में पहुंचा देती है। लेकिन बिल्कुल एंड मोमेंट पे मोसाद के एक सीनियर एजेंट से इंफॉर्मेशन मिलती है कि इमाद जब भी डमास्कस आता है तो वहां पर अपनी एक प्रेमिका मिस्ट्रेस से जरूर मिलता है। इतने सालों में पहली बार मोसाद को यह जानकारी मिली थी कि इमाद का डमास्कस में कोई सीक्रेट लव अफेयर भी चल रहा है। इमाद की यह प्रेमिका एक 30 वर्षीय बेहद खूबसूरत सीरियन औरत थी जिसका नाम था निहाद हैदर, और ये दोनों जिस आलीशान अपार्टमेंट में मिलते थे उस अपार्टमेंट का मालिक सीरियन प्रेसिडेंट का कजन था जिसका नाम था रामी मखलोफ। मोसाद को यह जानकारी भी मिली थी कि इमाद जब भी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए इस अपार्टमेंट में आता है तो वो अकेला आता है, अपने बॉडीगार्ड्स को साथ लेकर नहीं आता। अब मोसाद को साथ में यह भी कंफर्म करना था कि 12 फरवरी 2008 के दिन भी क्या इमाद अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए आएगा या नहीं। 11 फरवरी 2008 की शाम किदोन हिट टीम के तीन मेंबर्स अलग अलग रास्तों से होते हुए डमास्कस पहुंच जाते हैं। डमास्कस पहुंचने के लिए इन तीनों ने आधे से ज्यादा यूरोप की यात्रा की है। ये तीनों अलग अलग रूट से होते हुए डमास्कस पहुंचते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, जहां मोसाद की एक दूसरी टीम जो बेरूत से आई है इनको एक गैराज में लेकर जाती है और रात के लिए वहां रुकाती है। इस गैराज में इन तीनों के लिए एक किराए की गाड़ी और विस्फोटकों का इंतजाम भी किया जा चुका है। ये तीनों रात भर सोते नहीं बल्कि गैराज में जाकर बॉम्ब बनाने में लगे रहते हैं, और जब बॉम्ब बन जाता है तो उसको किराए की गाड़ी के रेडियो कंपार्टमेंट में फिट कर देते हैं। मोसाद की एक और टीम एक दिन पहले ही इमाद के प्रेमिका के अपार्टमेंट को चारों तरफ से घेर लेती है और उसके ऊपर कड़ी नजर रखना शुरू कर देती है। 12 फरवरी 2008 की देर दोपहर जैसे ही इमाद अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए इस अपार्टमेंट के बाहर पहुंचता है, मोसाद के एजेंट्स किदोन की हिट टीम और तेल अवीव को अलर्ट कर देते हैं। कुछ घंटे अपनी प्रेमिका के साथ बिताने के बाद इमाद अपार्टमेंट से बाहर निकलता है तो रात हो चुकी थी। जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठकर अपने दूसरे डेस्टिनेशन के लिए निकलता है, मोसाद की टीम अपनी गाड़ी में उसका पीछा करना शुरू कर देती है। मोसाद ये जानती थी कि इमाद अपनी दूसरी मीटिंग के लिए कफरसोसा नामक जगह जा रहा है जहां उसकी मीटिंग ईरान के कुछ ऑफिशियल्स के साथ होने वाली है। इसीलिए मोसाद की किदोन हिट टीम उस जगह की पार्किंग में बॉम्ब से रिग्ड गाड़ी को खड़ा कर देती है। लगभग 10:45 बजे इमाद अपने मीटिंग वाले स्थान पर पहुंचता है और मोसाद की बॉम्ब से रिग्ड गाड़ी से दो गाड़ियां छोड़कर अपनी गाड़ी को पार्क करता है। जैसे ही वो नीचे उतरने के लिए अपना दरवाजा खोलता है, मोसाद की दूसरी टीम जो उसका पीछा कर रही थी अपने रिमोट कंट्रोल में एक बटन दबाती है। एक जोर का धमाका होता है और कफरसोसा का पूरा मोहल्ला कांप उठता है। दुनिया का मोस्ट वांटेड सबसे खूंखार आतंकी इमाद मुगनिया अब इस दुनिया में नहीं रहा था। इमाद की मौत हिजबुल्ला को अंदर तक झंझोड़ के रख देती है और यह सीरिया के लिए भी बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि इमाद मुगनिया सीरियन गवर्नमेंट की न्यूक्लियर रिएक्टर सेटअप करने में मदद कर रहा था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जल्दी मिलेंगे एस्पियोनाज स्टोरीज के एक और रोचक एपिसोड के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।